हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। आज संडे का दिन है, छुट्टी का दिन, और मैंने सुबह से बहुत सारे मैंने पॉटिंग किए हैं अपने नर्सरी के लिए, तो उनको मैं आपको दिखाऊंगी मैंने क्या क्या पॉटिंग किया है। उससे पहले मैं ये जो हैंगिंग बास्केट्स है थोड़ा सा मैं इनको दिखा रही हूँ। ये प्लांट्स जो मेरे मैंने यहाँ पे हैंग किए हैं, फ्रेंड्स, ये ग्रीन नेट मैंने लगाया है अपने छोटे से नर्सरी में। आपको दिखाया था मैंने ये सेटअप जब मैंने ये तैयार किया था। तो फ्रेंड्स, चलिए अंदर चलते हैं। ये तो फ्रेंड्स देखिए, ये सारे प्लांट्स मैंने यहाँ पे इकट्ठे रखे हैं सेल के लिए, और ये सारे मैंने अपने जो घर पे प्लांट्स हैं उन्हीं से प्रोपोगेट करके मैंने ये सारे पॉट्स तैयार किए हैं मेरे छोटे से नर्सरी के लिए। ये एपिस्किया के प्लांट्स देखिए, लगभग सारे प्लांट्स मैंने बहुत दिन पहले ही मैंने इनको पॉटिंग किया था, 2 हफ्ते पहले, और कुछ प्लांट्स मैंने आज किए हैं। तो आज मैंने इस प्लांट का पॉटिंग किया है, ये भी एपिस्किया है, और ये इसका पत्ता जो है डार्क ब्राउन कलर का है, और एपिस्किया भी बहुत फास्ट ग्रो करता है। ये प्लांट मैंने लगभग 15 दिन पहले लगाया था और काफ़ी बड़ा हो चुका है अभी, और ये प्लांट मैंने आज लगाया। उसके बाद ये वाला प्लांट मैंने आज पॉटिंग किया, उसके बाद ये और ये वाला एपिस्किया, बाकी सारे मैंने पहले ही किए थे। स्नेक प्लांट्स काफ़ी सारे रखे हैं मैंने। उसके बाद ये जो नियॉन पोथोस है इसकी भी मैंने पॉटिंग आज ही की है। कुछ और प्लांट्स भी है फ्रेंड्स जो मैंने अपने गार्डन के दूसरे हिस्से में एकदम कंप्लीट शेड में रखा है। कुछ कटिंग्स लगाए हैं मैंने, फिलोडेंड्रॉन ब्राज़ील और सैटिन पोथोस के, तो उनको मैंने अभी नर्सरी में नहीं रखा है। ये बेबी रबर प्लांट है, इसको मैंने आज ही पॉटिंग किया है, और ये मूनशाइन सेंसिविरिया है, ये एक्चुअली मदर प्लांट है और ये इसका बेबी प्लांट है, और 2 बेबी प्लांट है जो मैंने अपने बरंदा में जो स्टैंड है उसमें ऐसे डेकोरेशन के लिए रखा है अभी फ़िलहाल, यहाँ पे मैं लेके आ जाऊँगी अभी। और आज मैंने बहुत सारे बॉस्टोन फर्न्स की पॉटिंग की है, ये आप देख पा रहे हैं बहुत सारे बॉस्टोन फर्न्स रखे हैं। फ्रेंड्स, ये जो 2 प्लांट आप देख रहे हैं डेफिनबेकिया के, ये मैंने बहुत दिन पहले ही पॉली बैग में लगा के रखा था, तो वो पॉली बैग से मैंने निकाल के आज ये प्लास्टिक के टब्स में मैंने लगा दिया है, ये एक पॉली बैग में रखा है। फ्रेंड्स, ये तो बस एक छोटी सी शुरुआत है, मुझे अभी बहुत सारे प्रोपोगेशंस करने हैं। फ़िलहाल तो मैं अपने घर पे ही जो मेरे प्लांट्स हैं उनसे ही मैं प्लांट्स निकाल के प्रोपोगेशंस करूँगी, और उसके बाद मैं ऑफकोर्स मैं बाहर से ख़रीदूँगी भी प्लांट्स, नए नए प्लांट्स। तो ये मेरी छोटी सी एक कोशिश है फ्रेंड्स, ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है, आशा करती हूँ मैं अपने मकसद में कामयाब होऊंगी, और आप सब प्लीज़ मेरे लिए दुआ करना। ये ग्रीन नेट मैंने आपको दिखाया था फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा शेड बनाया है मैंने अपने नर्सरी के लिए, ये मेरे घर के आंगन में ही है। और फ्रेंड्स देखिए, ये शेल्फ़ अभी तो पूरा खाली है, मुझे इनको इस शेल्फ़ को अभी भरना होगा, धीरे धीरे मैं ये पूरा कंप्लीट कवर कर दूंगी। और नीचे आप देख पा रहे हैं, नीचे अभी तक मैंने कुछ भी साफ़ सफ़ाई नहीं की है फ्रेंड्स, ये सारे जो मेरे परमानेंट प्लांट्स हैं इनको हटाना पड़ेगा यहाँ से,
इनको हटा के फिर मैं यहाँ पे भी और सारे प्लांट्स में सेल के लिए रखूँगी। तो कंप्लीट लुक भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। एक दिन पे तो नहीं हो पाएगा फ्रेंड्स, धीरे धीरे होगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं जॉब भी करती हूँ तो मुझे बहुत सारा वक्त तो मिलता नहीं है, मेरे फ्री टाइम में ही मैं ये कर पाती हूँ। तो फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपको सारे अपडेट्स देती रहूँगी। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत हौसला मिलता है। तो चलती हूँ फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, कीप स्माइलिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।